हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग का 5:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं जाला साफ कर रही हूँ। कल रात में ही कुछ जाले देखी थी तो सोची कि जितना जल्दी हो सुबह हो और सबसे पहले मैं जाला निकाल करके फेंकूँगी, तो बस यहाँ पे जाला निकाल करके चली आई हूँ आंगन में। और कल रात में ना खूब जोरों की बारिश और जोरों की तूफान आई हुई थी, तो देखिए यहाँ पे कितने पेड़ पौधे के पत्ते गिरे हुए हैं। तो इसी से ना आंगन का सुख जितना है ना इतना दुख भी है। बाहर का पेड़ पौधा है ना, उसका भी ये पत्ता है, तो बस उसको आंगन में झाड़ू लगा करके आ गई हूँ। रूम में चाय लेकर के, हस्बैंड दूध लेकर के आ गए हैं, तो चाय बना करके लेकर आ गई हूँ। और तभी ना एक फ़ोन आ गया और फ़ोन में इनकी बातें देखिए, ये टेंशन में है ना। इनको मैं बोल भी रही हूँ कि आप चाय पीजिए, पर ये देखिए कितने टेंशन में है, क्योंकि किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कुछ होता है ना तो इनसे पूछता है कि समय क्या करें, इस तरह का अगर मेरा तबीयत हो रहा है तो क्या करें, क्या टेस्ट करवाएँ या फिर किस डॉक्टर के पास जा करके मैंने दिखवाएँ। तो वही बात हो रहा था। और ये किसी के परेशानी को देख करके इतना टेंशन में आ जाते हैं ना, कि मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि ये इतने टेंशन में क्यों आ जाते हैं। तो चलिए वो सब काम करके और चाय पी करके आ गई हूँ यहाँ पे। कल का तूफान का जो गंदा है ना, सो यहाँ पे ये टेबल और डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल सब पे भरा हुआ है। सेंटर टेबल सब पे, मतलब कि पूरे बरामदे में, पूरे खिड़की दरवाज़ा सब भरा हुआ है। तो खिड़की दरवाज़ा मैं तो आज साफ़ नहीं की, पर ये दोनों टेबल है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। हस्बैंड दूध लेकर के आए तो यहीं पे जूता खोल दिए थे तो उसको भी हटा दी। और उसके बाद मैं हाथ पैर धो करके आ गई हूँ किचन में। किचन में बना रही हूँ मैं आज इडली, उसके साथ सांभर नहीं बना रही हूँ, बना रही हूँ मैं चटनी। और इसके साथ बना रही हूँ ये आलू और पनीर वाली सब्जी, जो कि पनीर में बाद में डालूंगी। और ये सब्जी ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इडली के साथ। तो इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको बनाकर नहा करके मिलती हूँ आप लोगों से। तो मॉर्निंग का सारा काम करके और जैसे कि नहाना, पूजा करना और नाश्ता भी मेरा वही रहा, इडली और सब्जी, तो उसी के साथ और चना दाल का चटनी बनाई थी तो उसी के साथ नाश्ता कर ली। हस्बैंड भी नाश्ता कर लिया है और अभी आया है फ्लिपकार्ट से एक बेडशीट मंगवाई, तो देख लेती हूँ कैसा है। कभी कभी अच्छा निकल जाता है कपड़ा, कभी कभी खराब निकल जाता है। और 14 फरवरी को जो हस्बैंड मंगवा दिए थे ना मेरे लिए गिफ्ट, जो कि कुछ शीशा का जार था जिसको मैं कैंसिल कर दी थी, मैं मंगवाने वाली थी पर कुछ था दाम का इधर उधर तो उसको कैंसिल कर दी। फिर हस्बैंड ऑर्डर दे दिए थे, उसका जब प्राइस ठीक हो गया तो फिर ऑर्डर दे दिए थे। तो उसको ला करके उस पलंग के नीचे मैं रखती और बिल्कुल ही दिमाग से उतर गया कि उसके नीचे जो मंगाए हुए हैं वो सब सामान है, तो उसको भी निकाल कर देख लेती हूँ। आज तक मैं चेक भी नहीं की कि वो सामान कैसा है, सो उसको भी ले आती हूँ और इसको भी काट करके देख लूंगी। ये देखिए अभी इसका इसी तरह से सील है, इसको खोली भी नहीं। उसके बाद में जाऊंगी बनाऊंगी खाना और खाना में बनाऊंगी चावल और पनीर वाली तड़का वाली कढ़ी। और जो इडली बच गया है उसको शाम में क्या करूंगी ना कि फ्राई कर लूंगी। कलर इसका अच्छा लग रहा है ना। अच्छा तो नहीं बोलूंगी पर ओके ओके सा है, कलर अच्छा लग रहा है, पर वहां पे जो कलर दिख रहा है ना वो कलर नहीं है, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर पे लग रहा है। चलिए जब इसको लगाऊंगी तब दिखाऊंगी फिर आपको। और जो हस्बैंड दिए हैं उसको भी देख लेती हूँ। तो ये वाला मैं मंगाई थी, बोले कि 400 ml का, पर ये 400 ml का नहीं है, ये लग रहा है 200 से 250 ml का है। तो फ्लिपकार्ट का नहीं होगा 400 ml का, 400 ml का वो वाला था, पर यही है कि टूटा हुआ नहीं है सब ठीक था। इसी चीज का डर था कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, पर हाँ वजन है इसका ठीक, वजन इसका ठीक है। तो यही है मेरे हस्बैंड का प्यार मेरे लिए, यही मेरे लिए गिफ्ट मंगा है। और ये अगर कोई ड्रेस भी मंगा देते ना तो उतना खुशी हमको नहीं होता जितना कि ये सब चीज देख करके खुशी होती है।
फ्लिपकार्ट का सामान ना कभी कभी अच्छा देता है पर कभी कभी डाउटफुल ही रहता है। फ्लिपकार्ट का भंडारा जो था सो उसको मैं बंद करके और आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ कढ़ी, वो जो कि बनाऊंगी पनीर वाले कढ़ी। तो ये बहुत कढ़ी यम्मी होता है। इसके लिए मैं रेगुलर मसाले ली, धनिया पत्ती थोड़ी सी काट के ले ली, एक प्याज काट करके ले ली और यहाँ पे मैं पनीर घिस दे रही हूँ जो कि मेरे घर का ही पनीर है। और साथ में मैं डाल दे रही हूँ 2 चम्मच बेसन। एक आलू मैं डाली थी पर वो स्किप हो गया, तो बस यहाँ पे और मैं बेसन डाल करके इसको तैयार कर ले रही हूँ। और आप चाहे तो इसका जो पकौड़ी बनाए ना तो उसको आप डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं सेलो फ्राई ही करूँगी। बस थोड़ा सा तेल डाल करके फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आप देखे भी होंगे कि मैं बहुत कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ज़्यादा तेल खाने नहीं चाहिए, बस इसीलिए। तो थोड़े से तेल में ही इस पकौड़े को मैं तैयार कर ले रही हूँ। इधर मैं डाल दूँगी उसको पकने के लिए और इधर मैं चढ़ा दी कढ़ाई, डाल दी तेल और उसमें डाल दे रही हूँ थोड़ी सी जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च गोटा ही। और वो जब पक गया तो यहाँ पे डाल दे रही हूँ मैं प्याज, और प्याज को कुछ देर के बाद भूनने के बाद ये इस तरह का हो गया है। तो यहाँ पे डाल दे रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और साथ में डाल दे रही हूँ हल्दी का पाउडर। बस उसके बाद में ये जो मसाले में कढ़ी वाले मसाला मैं तैयार की थी जिसमें है अदरक लहसुन और उसके बाद में काली मिर्च धनिया और जीरा पाउडर, तो इसी को पीस करके रखी थी तो उसको डाल करके भून ली। और बस इसमें थोड़ा सा भून गया तो पानी डाल दी और उसके बाद में कढ़ी के लिए और पानी डाल करके यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ। और ये देखिए पकौड़ा जो है ना सो इस तरह से तैयार हो गया है। तो बस इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो बस इस पकौड़े को डाल दूँगी, उसके बाद में कर लूँगी तड़के की तैयारी। तो तड़का के बाद ही ना कढ़ी का टेस्ट और खुल करके आता है। तो बस यहाँ पे कढ़ी को मैं उतार के ठंडा कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दही, क्योंकि मेरे यहाँ अगर कढ़ी में पहले दही डाल देना तो कढ़ी क्या होती है ना कि फट जाती है। तो बस इसीलिए जब कढ़ी आधा ठंडी हो गई ना तो फिर मैं इसमें दही डाल दी। और यहाँ पे मैं तड़का के लिए ले रही हूँ लहसुन धनिया और गोटा धनिया और लाल मिर्च और करी पत्ता, साथ में थोड़ा सा जीरा और हींग। तो बस इसी को डाल करके अच्छे से मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर उसको मैं कढ़ी में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये सब अच्छे से भून गया तो यहाँ पे मैं डाली इसमें करी पत्ता। करी पत्ता ज़रूर डालिएगा कढ़ी में, कढ़ी का ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ में डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और बस यहाँ पर तड़का लगा दे रही हूँ कढ़ी में। और उसके बाद में खाना खा करके तब चावल तो तैयार कर लिया, आलू बैंगन का सब्जी है तो यही खाना हम लोगों का हुआ। और खाना खा करके मैं यहाँ पे आ करके, अभी मौसम ना बहुत ही अच्छा वाला हो गया है, रात में बारिश हुई ना जिसके कारण से ठंडा हो गया है, तो मैं यहाँ पे कंबल लेकर के आ गई और इतने अच्छे की नींद आई ना कि हस्बैंड बाहर से आवाज़ दिए कि क्या सोई हुई रहेगी, जगेगी नहीं, आज चाय नहीं मिलेगा। तो फिर मैं अभी उठी और यहाँ पे बिछावन को ठीक कर ली, आ गई हूँ बाथरूम में, थोड़ा सा चेहरा वेरा धो लूँगी, उसके बाद में थोड़ा सा तैयार हो लूँगी और उसके बाद चलूँगी किचन में, बनाऊँगी चाय, साथ में जो इडली है उसको भी फ्राई कर लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ा सा मेकअप करने के बाद। शाम का भी हो रहा है, 5:05 बाकी है तो अब चलती हूँ किचन में फिर से। और दोपहर में सो गई थी, मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, ठंड लग रही थी तो कम्बल उम्बल तान करके अच्छे से मैं सो गई। और अभी हस्बैंड बोले कि क्या तुम पूरे दिन सोई ही रहेगी, उठो अब तो शाम हो गया, तो देखिए कि बाप रे इतना टाइम हो गया। तो चलिए बना लेते हैं किचन में नाश्ता। नाश्ता में वही रहेगा इडली जो बना कर रखी थी ना मॉर्निंग में, तो वही बचा हुआ है तो उसी को मैं फ्राई कर लूंगी और चाय बना लूंगी, तो यही नाश्ता हो जाएगा। तो चलती हूँ सीधे किचन में।
यहाँ पे इडली फ्राई करने के लिए डाल दी मैं तेल, उसमें डाल दी जीरा, और जब जीरा अच्छे से चटक गया तो डाल दी सरसों और 3 सूखी लाल मिर्च। उसके साथ ही डाल दे रही हूँ प्याज। प्याज कुछ देर भूनने के बाद मैं डाल दे रही हूँ इसमें करी पत्ता। तो सबको अच्छे से मैं भून ले रही हूँ, और इस तरह का ढक करके भून करके तैयार हो गया है प्याज, करी पत्ता और जो भी मसाले डाली थी उसको। तो बस इसको यहाँ पे अब डाल दे रही हूँ इस इडली को, और कुछ देर के लिए भून लूँगी। बस ये इडली भून करके तैयार हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे मैं चढ़ा दी चाय। तो पहले मैं इसमें काली मिर्च और नमक डाल दे रही हूँ, कूट कर काली मिर्च को और नमक को। उसके बाद में ये भून के तैयार होगा, तब तक उधर मैं चीनी और चाय पत्ती भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं तो उनको चाय चाहिए ही। तो बस उसी के साथ चाय और नाश्ता दोनों तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं उन्हीं से बात करते हुए हंस रही हूँ। तो देखिए ये तैयार हो गया इडली भून करके, और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला दे सकते हैं, पर ये थोड़ी सी खट्टी होती है तो मैं चाट मसाला नहीं दी। यहाँ पे हम सबका नाश्ता हो गया है। मेरे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मैं जब रास्ते से निकलती हूँ ना, तो वो बोलते हैं ये देखो प्रतिमा टेली ब्लॉग्स है, उसमें से ये भी लड़की है और ये भी अपना छोटा छोटा वीडियो बना करके फेसबुक पे शेयर करती है। और ये क्या बोलती है अपने वीडियो में से अपने सुनिए आप लोग, संध्या प्रतिमा टेली ब्लॉग, इसका नाम संध्या है। ये अपना नाम बोलती है कि संध्या ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, तो ये बोलती है संध्या प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो प्रतिमा टेली ब्लॉग्स आप लोगों के दिमाग पर थोड़ा थोड़ा सा असर करने लगा है। चलो बाय कर दो, बाय। तो चलिए नाश्ता तो हो गया, कुछ कपड़े हैं उसको मैं तय लगा लेती हूँ, और ये लोग भी नाश्ता करके और चाय पी करके जा रही हूँ। और अब मैं कपड़ा को तह लगाऊंगी और उसी के साथ आज की वीडियो को भी एंड करूंगी, क्योंकि शाम हो गया है, अभी हो गया है 6:15। और रात में तो बारिश हो रही थी, सुबह में भी बारिश हो रही थी, पर अभी का मौसम अच्छा लग रहा है। करके और आज मैं शेयर की आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन। अभी हो गया है 6:30, तो जो कपड़े सूखे हुए थे उसको मैं तह लगा के रख दी, और जो कपड़े सूखे हुए नहीं थे उसको मैं बाहर पसार दी, और टहल करके आ गई हूँ। तो अब कपड़ा चेंज करूंगी, जा करके मैं सांस दिखाऊंगी, और उसके बाद में रात का प्रोग्राम मैं शुरू करूंगी, जैसे कि खाना पीना का काम शुरू करूंगी। और आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।